आज आपको गंगोत्री यात्रा पर लाया हूँ। गंगोत्री यात्रा ये यहाँ से बहती है, ये गंगोत्री माता है। ये ऊपर से ग्लेशियर लगता हुआ जो बर्फ की पहाड़ी देख रहे हैं, वो बर्फ की पहाड़ियाँ से गंगोत्री धाम गंगा मैया का उद्गम हुआ है गंगोत्री से। इसलिए मैं आज आपको गंगोत्री माता के दर्शन कराने आया हूँ। ये गंगोत्री माता ग्लेशियर देख रहे हैं, जो यह ग्लेशियर जो बर्फ़ से पिघलता हुआ और गंगा माता की उसमें आता हुआ, जो कि हरिद्वार से ऋषिकेश से आपको आना पड़ेगा उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से आपको गंगोत्री के लिए बस मिल जाएगी। बस आपको उत्तरकाशी हरिद्वार से मिल जाएगी उत्तरकाशी के लिए, उत्तरकाशी से मिल जाएगी गंगोत्री के लिए। यह नदी है गंगा जी, जो गौमुख से गंगोत्री से उद्गम हुआ है। ये आप देख रहे हैं अभी मैं आपको गंगोत्री मंदिर, ये आप देख रहे हैं गंगोत्री मंदिर। अब मैं आपको गंगोत्री मंदिर दिखाने ले जा रहा हूँ, ये ऊंची ऊंची पहाड़ियों में से निकलता हुआ। अब मैं आपको गंगोत्री मंदिर के दर्शन कराने ले जा रहा हूँ। आरती के लिए, आरती का समय हुआ है, सभी श्रद्धालु आरती करने के लिए यहाँ बैठे हैं। जिस और ये मंदिर, ये आप देख रहे हैं यहाँ से सामने से गंगोत्री माता का उद्गम हुआ है। यह गंगोत्री माता का मंदिर है, जो कि आज मैं आपको यहाँ दर्शन कराने आया हूँ। यमुनोत्री से गंगोत्री के लिए मैं यात्रा करके इधर आया हूँ, इसके बाद अगली यात्रा केदारनाथ के लिए प्रस्थान करूँ। गंगोत्री माता का मंदिर, ये ऊंची ऊंची पहाड़ियों में बहुत ही सैलानी आनंद लेखिए। ये यहाँ से गंगोत्री बर्फीली पहाड़ी जो आप देख रहे हैं चोटी, मैं हूँ धर्मेंद्र राजपूत, जो आज इस पर वीडियो बना रहा हूँ। यह वीडियो, यह गंगोत्री माता का मंदिर है सामने, यहाँ से गंगोत्री माता का उद्गम हुआ है। यह गंगोत्री माता बहती हुई यहाँ आ रही हैं और इलाहाबाद जाती संगम में एकत्रित हो जाती हैं। ये देखिए सर, ये गंगोत्री माता, ये है जलधारा।